ठीक है बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थ्री में। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, इसको तुम ऐसे देखो। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या हमारे पास सॉल्यूशन थ्री, x माइनस फोर टू द पावर एट, x माइनस थ्री, x माइनस टू, x प्लस थ्री, x माइनस एट का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस फाइव टू द पावर सेवन। इस ये सब क्वेश्चन ऐसे अब कराना नहीं चाहिए, काफ़ी हो गया, बहुत सारे करा दिए क्वेश्चंस, बट फिर भी देख लो। ये तो सिंपल सा है, सारे लीनियर है, लीनियर पे पावर दे रखा है, ये तो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। सारे रूट्स को लाके नंबर लाइन पर रख दो। सबसे छोटा रूट कौन सा है, माइनस फाइव, सबसे छोटा रूट माइनस फाइव, माइनस फाइव के बाद क्या है माइनस थ्री, माइनस थ्री के बाद क्या है टू, टू के बाद क्या है थ्री, थ्री के बाद क्या है फोर, फोर के बाद क्या है एट। ठीक है, तो सबसे छोटा रूट माइनस फाइव, यहाँ से मिलेगा माइनस थ्री, उसके बाद है टू थ्री फोर एट, उसके बाद इक्वल्स टू भी जीरो है। इक्वल्स टू जीरो होने का मतलब कि जो रूट न्यूमरेटर से आया उस पर हमें क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा। तो एक माइनस फाइव ही तो न्यूमरेटर से नहीं आया, बाकी ये सारे तो न्यूमरेटर से आए, तो ये भी हमें लेना होगा, टू भी लेना होगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना होगा, थ्री को भी लेना होगा, फिर हमें फोर भी लेना होगा, फिर हमें एट भी लेना होगा। ठीक है, उसके बाद इवन रूट किस पर है, एक एट पर क्रॉस किया, एक यहाँ फोर पर, इसको भी क्रॉस किया, अब बस हो गया। ये पॉजिटिव इवन रूट है, इसके नीचे साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव। फिर इवन रूट है, इसके अंदर साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्रॉस नहीं है तो नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। क्लियर ये बात। अब हमें बच्चों क्या चाहिए, हमें चाहिए लेस देन भी, वो भी एक्स चाहिए जहाँ पे एक्सप्रेशन नेगेटिव आ जाए, और वो भी एक्स चाहिए जहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल आ जाए। तो जीरो कहाँ पे आएगा, इन सारे नंबर्स पे जीरो आएगा। ठीक है, इन सारे नंबर्स पे जीरो आएगा। और नेगेटिव कहाँ आएगा, एक इस इंटरवल में, दूसरा एक इस इंटरवल में, और बस यही दो इंटरवल में आएगा। तो हमने आंसर कैसे लिखा, एक्स बिलोंग्स टू, एक ये इंटरवल ले लिया, ऐसे लिख लो, थोड़ा और अच्छे से लिख लो, फॉर लेफ्ट हैंड साइड टू बी लेस देन जीरो। लेफ्ट हैंड साइड को जीरो कहाँ होगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस फाइव टू माइनस थ्री, माइनस थ्री नहीं लेंगे, माइनस थ्री पर तो लेस देन ये इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, बट अभी हमने क्या बोला, लेस देन जीरो के लिए बात कर रहे हैं, तो इसको छोड़ दिया। दूसरा यहाँ लेस देन जीरो हो रहा है, तो यूनियन टू टू थ्री, टू और थ्री को भी छोड़ दिया, बिकॉज टू और थ्री पर ये क्या हो जाएगा, टू और थ्री पर ये जीरो हो जाएगा, इसलिए टू और थ्री को भी छोड़ दिया। फॉर लेफ्ट हैंड साइड टू बी जीरो, जीरो कहाँ होगा, एक्स का वैल्यू माइनस थ्री पर, टू पर, थ्री पर, फोर पर, एट पर, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। चाहते तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट फिर भी एक बार करके दिखा रहा हूँ। तो अब हमें क्या करना है, इस दोनों का यूनियन ले लेना है। क्या ले लेना है, यूनियन। तो यूनियन लेने का क्या मतलब है, इन नंबर्स को उठा के सेट में मिला दो तो कोई दिक्कत नहीं है। x बिलोंग्स टू माइनस फाइव से माइनस थ्री, या माइनस थ्री तो नहीं लिया, माइनस थ्री डाल दिया, माइनस फाइव से माइनस थ्री, थ्री पर डालने का मतलब क्लोज लगा दिया। माइनस फाइव तो ले नहीं सकते, बिकॉज माइनस फाइव पे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। फिर यूनियन लिया, टू और थ्री दोनों पे ओपन लगा रखा है, दोनों पे क्लोज कर दिया, तो टू और थ्री भी ले लिया। अब ये फोर और एट तो बचा रह गया, तो कोई बात नहीं है, एक सेट बना दिया दो एलिमेंट का, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तुम चाहते तो इसको लिखने की जरूरत थी नहीं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को बनाने की जरूरत ही नहीं थी, तुम चाहते तो डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते थे। नेगेटिव चाहिए तो माइनस फाइव से माइनस थ्री, थ्री पर मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर यहाँ नेगेटिव है तो टू से थ्री, इंक्लूडिंग टू इंक्लूडिंग थ्री, वो भी क्लोज कर दिया। फिर देखा कि ये दो नंबर, सिर्फ दो नंबर्स, दो डिस्क्रीट नंबर्स बच गए, तो दो डिस्क्रीट नंबर के लिए हमने डिस्क्रीट सेट बना लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री भी सॉल्व हो गया, आई थिंक आपको क्लियर होगा। कोई डाउट होगा तो बच्चे पूछ लेना, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थ्री, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव, क्वेश्चन नंबर फोर, सॉल्यूशन फोर, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो जैसे ही हमें ये क्या मिला है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी मिला है ना, वैसे ही हम अपने डी निकाला, तो डी क्या है, वन स्क्वायर माइनस फोर, ए क्या है टू, बी क्या है हमारा फाइव, तो क्या होगी, ऑब्वियस ही बात हो गया, वन माइनस फोर्टी क्या हो गया, माइनस थर्टी नाइन लेस देन जीरो।
तो यहां से हमें क्या मिला, -39 लेस देन जीरो। इसका क्या मतलब है कि जो डी है हमारा निगेटिव आ गया। देखो बच्चों, इसका डी है ना, डी निगेटिव आ गया। एंड ए क्या है, ए तो कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 2 है पॉजिटिव है। तो मैंने क्या बोला था, डी निगेटिव, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट पॉजिटिव। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो लिखा है ना, ये एक्सप्रेशन, ये सारे रियल नंबर के लिए पॉजिटिव वैल्यू देगा। और ये बोल भी रहा है, ये बोल रहा है ना, 2x² + x + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है ना, 2x² + x + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ये सारे x के लिए ट्रू है। चाहे तुम कोई भी x का वैल्यू डालो, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में, 3x² + 5 इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इसका भी हमने डी कैलकुलेट किया, तो इसमें बी तो है ही नहीं। बी क्या होता है, एक्स का कॉफिशियंट ना, तो एक्स नहीं लिखा है। इसका क्या मतलब है कि ये कुछ ऐसे लिखा है ना, 3x² + 0 × x + 5 इज लेस देन 0। तो x का कॉफिशेंट क्या है, 0, तो बी स्क्वायर की जगह 0² - 4। ए क्या हमारा, 3 क्या, सी क्या, 5, तो ये क्या हो गया, लेस देन 0। एंड कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या मिल गया, ये तो 3 है, ये पॉजिटिव है। तो बच्चों यहां से क्या पता चला हमें कि जो 3x² + 5 होगा वो पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। ये ट्रू लिखा हुआ है, ये सही बात लिखा है। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो एक्स निकालो जिस पर 3x² + 5 या तो लेस देन जीरो हो जाए, निगेटिव हो जाए, या इक्वल्स टू जीरो हो जाए। बट ऐसा कोई एक्स बना ही नहीं है, ऐसा कोई एक्स बना ही नहीं है जिस पर ये 3x² + 5 या तो निगेटिव हो जाए या तो जीरो हो जाए। तो यहां से हमें एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 5। ये हमारा आंसर हो गया। मेरी बात आ रही है समझ में, एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 5। ये x इज इक्वल टू 5 का क्या मतलब है, ये सुनो, x जो है ना नल सेट है। बहुत बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है, जब भी x इज इक्वल टू हमें x का कोई वैल्यू नहीं मिलता है, तो बहुत बच्चे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन रॉन्ग है। देखो क्वेश्चन रॉन्ग कभी नहीं होता है, मैंने शायद पहले भी बोल रखा है, अगर हमें x का कोई वैल्यू ना मिले तो हम x को क्या बोलेंगे, 5, या हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। ये नहीं बोल देंगे कि x का कोई वैल्यू नहीं मिला, इसका मतलब क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्वेश्चन आपने गलत पूछ दिया या क्वेश्चन आपने गलत लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन इज ऑलवेज करेक्ट। x का वैल्यू नहीं मिला तो आंसर आप क्या लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट और x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो यही बात लिखा है। अच्छा, ऑल्टरनेट मेथड क्या बताया है, वो ऐसे भी तुम इसको देख सकते हो, थोड़ा अपना सिंपल IQ लगा के। जैसे ऐसे लिखा है ना, 3x² + 5 इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, ये लिखा है ना। अब हमें क्या पता चला कि 3x² + 5 जो है ये पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये पता नहीं चला कि ये जो क्वांटिटी लिखा है ना, ये सारे रियल नंबर के लिए पॉजिटिव है, निगेटिव भी नहीं है, जीरो भी नहीं है। तो हमने क्या किया कि दोनों साइड, यहां भी 3x² + 5 से डिवाइड कर दिया और यहां भी डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड कर पाए, क्योंकि 3x² + 5 जो है वो क्या हमारा, 3x² + 5 जो है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर से तो डिवाइड कर ही सकते हैं, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो यहां तो 1 हो गया और यहां 0 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट आ गया, ये क्या हो गया, स्टेटमेंट। ये क्या बोल रहा है कि 1 जो है ना, या तो 0 से छोटा है या तो 1 0 के इक्वल है। 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है, एक तो बोल रहा है या तो 1 0 से छोटा है और 1 जो है ना वो 0 के इक्वल है। तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो इसका मतलब ये जो लिखा है ना, ये भी हमारा फॉल्स हो गया। बात आती है समझ में, ये लेस देन इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या होता है, ऑप्शन। और का मतलब क्या होता है कि इस दोनों में से अगर कोई दोनों करेक्ट हो जाए तो भी ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। एक भी इन दोनों में से करेक्ट हो जाए, ये करेक्ट ये फॉल्स,
या ये करेक्ट ये फॉल्स, तो भी ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट कब होगा? जब ये भी फॉल्स हो ये भी फॉल्स हो। और में और के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो एक ये भी इसका एक्सप्लेनेशन था, इसीलिए एक्स इज इक्वल टू फाइव आ गया। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स में। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहा है? एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब बच्चों देखो क्या है, ये तो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स पे पावर टू आ जाएगा, क्वाड्रेटिक लिखा है। और ये क्वाड्रेटिक है ना रूट के फॉर्म में लिखा है। रूट के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या, एक्स माइनस पहला रूट, एक्स माइनस दूसरा रूट। तो हमें तो इसका रूट ऑलरेडी पता चल गया, तो हमें तो पता चल गया तीन और चार रूट है, ठीक है। अब क्या होगा, किसी पर इवन पावर नहीं है तो इसका मतलब, और इक्वल्स टू भी जीरो है तो इसका मतलब थ्री भी हमें लेना है, फोर भी हमें लेना है। यहाँ से चलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये क्या बोल रहा है, या तो ग्रेटर देन जीरो ले लो या इक्वल्स टू जीरो ले लो। तो ग्रेटर देन जीरो इस दो इंटरवल पे, इक्वल्स टू जीरो एक थ्री पर एक फोर पर। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से थ्री पे क्लोज यूनियन, फोर पे क्लोज टू इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए।